चुरू के टीबड़ा धर्मशाला स्थित भाजपा चुनावी कार्यालय में शनिवार को चौमू के पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने ईआरसीपी यमुना जल समझौता जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर प्रदेश के लोगों के सपनों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान पेपर नकल से जुड़े हुए माफिया आज जेलों के अंदर बंद है। प्रदेश के युवाओं के सपनों को लूटने वाले समाज कंटक कानून के शिकंजे में है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई मौजूदा सांसदों का टिकट परिवर्तित किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ऐसे लोगों को आई जिनको पार्टी ने पिछले 40 साल से कई पद और दायित्व प्रदान किए थे। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन और विकास के नाम पर वोट मांग रही है। उनका एकमात्र मुद्दा देश की 140 करोड़ जनता को सुशासन देना है। उद्देश्य स्पष्ट है, जितने भी हमारे संसदीय क्षेत्र हैं, उन सब के अंदर पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बता रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि किन मुद्दों के साथ, किन वादों के साथ हम चुनावी समर के अंदर है। और चुरू के आज प्रेस का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उन मुद्दों के साथ जो हमने काम किए हैं और आने वाले समय के अंदर वो समस्याएं जिनका हम समाधान करेंगे, उसी के आधार के ऊपर आज की प्रेस रखी है। हो सकता है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि उनका समाधान करते हैं, हो सकता है कि समस्याएं कुछ व्यक्तिगत भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए जहां एक ओर पाकिस्तान, एक ओर चाइना, ये दोनों ही देश भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबसे लड़ाई लड़ते हुए हमें आगे तक भारत को लेकर जाना है, तो 2047 के अंदर पूरी दुनिया का नेतृत्व भारत कर सके, ये चुनाव इस बात को लेकर भी है। राष्ट्रीय विचारधारा को आगे हम कैसे लेके जा सकते हैं, देश पहले नंबर पे हमारे कैसे हो सकता है, उसके बारे में हम विचार करें।